गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास प्लस वन यूनिट वन एक्सरसाइज 1.1 पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारी जो यूनिट वन है वो सेट्स के बारे में है। सेट्स पहले तो होता क्या है? सेट्स होता है जो भी एलिमेंट होंगे वो मोस्टली स्मॉल लेटर्स में लिखे जाएंगे, और जो एलिमेंट रहेंगे वो सब वेल डेफिनेट ऑर्डर में होने चाहिए। तो मैक्सिमम जो सेट है वो दो टाइप्स में होता है। तो फर्स्ट टाइप है इसका रोस्टर फॉर्म, और सेकंड फॉर्म सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म है। तो फर्स्ट वाली फॉर्म में हम बुक से पढ़ लेते हैं। हमारे पास जो पहली जो फॉर्म है वो है, इनके बहुत सारे नाम है, टेबलर रोस्टर फॉर्म। तो इस फॉर्म में हम जो कोई भी सेट है उसको ब्रैकेट्स में लिखते हैं। जैसे कि ये लिखा है सेट ऑफ वॉवल्स, तो वॉवल लिखा, तो जैसे ये राइट किया है सेट ऑफ वॉवल्स, तो वॉवल्स के लिए ए लिखा, इक्वल्स टू लगाया, ब्रैकेट लगाई, ए ई आई ओ लिखा। हमने ये सब पहले पढ़ लिया है, हम रिवाइज कर रहे हैं इसको। और जैसे सेकंड है सेक्टर, सेट ऑफ बिल्डर और रूलर मेथड, तो इस वाले को हम थोड़ा सा और तरीके से लिखते हैं। तो हमारे पास है जैसे ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। हम पूरे के पूरे को एक डेफिनेट प्रॉपर्टी में लिखते हैं, जैसे कि वॉवल से हमारे पास ए ई आई ओ यू, तो हम रोस्ट बिल्डर फॉर्म में इसको ऐसे लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो आज हम एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज है 1.1, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन रहता है वो सिंपल सा है, इसलिए हम बुक से ही पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर्स बिगनिंग विद जे लेटर। तो पहले तो ये बताना है कि ये सेट है कि नहीं है। तो जो पूरे साल में जो महीने आते हैं मंथ्स, वो कौन कौन से जे लेटर से स्टार्ट होते हैं, तो हम पहले तो इनको काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल हैं। तो जब काउंटेबल हैं तो ये एक सेट है। तो इट इज अ सेट एज जनवरी जून जुलाई आर द थ्री मंथ ऑफ ईयर स्टार्टिंग विद जे। साल में ऐसे तीन ही महीने होते हैं जो जे लेटर से स्टार्ट करते हैं, तो ये फिक्स पोजीशन में है, ये चेंज कभी नहीं होगा। सेकंड, द कलेक्शन ऑफ 10 टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। तो 10 टैलेंटेड राइटर आज कोई और हो सकता है, 2021 में कोई और राइटर ऐड हो सकता है, तो ये सेट नहीं है। इट इज नॉट अ सेट एज अ कंसेप्ट ऑफ 10 राइटर्स इन इंडिया, ये कंसेप्ट सेट का नहीं है। नेक्स्ट है, अ टीम ऑफ 11 बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो 11 बैट्समैन ये भी एक सेट नहीं है, क्योंकि जो बैट्समैन हैं वो हर साल चेंज होते रहते हैं। जैसे इट इज नॉट अ सेट एज अ कंसेप्ट ऑफ 11 बैट्समैन, 11 क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड, इट इज वैग्यू, तो ये बात सही नहीं है। आगे नेक्स्ट आता है, फॉर द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो ये सेट है, जैसे अभी हमारी क्लास में 18 स्टूडेंट्स हैं, तो वो कल भी 18 ही रहेंगे। तो इट इज अ सेट एज अ कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन क्लास, इट इज अ वेल डेफिनेट एंड ऑफ डिफरेंट बॉयज। ओके, नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब जो कलेक्शन रहेगा 10 नेचुरल नंबर्स का, तो ये भी सेट है, क्योंकि कलेक्शन कभी भी चेंज नहीं होगा 100 से प्रीवियस पीछे वाले टर्म्स का। इट इज अ
सेट एज अ नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो इसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन 99 तक, तो ये कभी भी चेंज नहीं होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, द कलेक्शन ऑफ वॉवल्स रिटन बाय प्रेमचंद, तो जो नॉवल्स लिखी थी किसने, प्रेमचंद ने, तो वो अब इट इज अ सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ नॉवल्स राइटर बाय द प्रेमचंद, इट इज अ वेल डेफिनेट एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट, तो ये अलग ऑब्जेक्ट है क्योंकि जो राइटर ने लिख दिया वो दोबारा किसी और के नाम से लिखा जाएगा, जो प्रेमचंद लिखा वो प्रेमचंद के ही नाम से रहेगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, तो ये भी एक सेट है इवन इंटीजर्स का भी। द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, तो जो डिफरेंट क्वेश्चन रहेंगे वो भी एक सेट रहेगा, क्योंकि आज जो क्वेश्चन इस बुक में है वही कल भी रहेंगे और अगले साल तक भी यही क्वेश्चन इस बुक में रहेंगे। अगेन नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, तो मोस्ट डेंजर एनिमल इन द वर्ल्ड, तो ये सेट नहीं है क्योंकि आज कोई भी जानवर कभी भी डेंजरस हो सकता है और कभी भी वो सिंपली रह सकता है। इट इज अ नॉट अ सेट कंसेप्ट ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन बुक में देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास, लिखा लेट ए इक्वल्स टू सेट ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5, 6 ब्रैकेट क्लोज, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू है और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेस। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि बिलोंग्स होता क्या है। बिलोंग्स लिखते हैं ऐसे और नॉट बिलोंग्स लिखेंगे ऐसे, तो belongs to का मतलब होता है कि एक पूरे के पूरे सेट से पूरे के पूरे टर्म्स या पूरे के पूरे कलेक्शन को लेना। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हमारे पास एक सेट है, तो इसका फर्स्ट पार्ट रहता है 5 belongs to A। अब चेक करेंगे कि 5 एक सेट से आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो 5 है ऊपर है तो belong लिखेंगे। इसी का दूसरा पार्ट है हमारे पास 8 ए, तो ऊपर वाले जो कलेक्शन है उसमें 8 है नहीं है तो नॉट बिलोंग, ये बिलोंग नहीं करता है। थर्ड 0 ए, तो ये 0 बिलोंग करता है, ऊपर से आया 0 नहीं आया तो नॉट बिलोंग्स टू। फोर्थ पार्ट, इसी का फोर्थ पार्ट है 4 बिलोंग्स टू ए, तो 4 बिलोंग कर रहा है। इसी का फिफ्थ पार्ट है 2 बिलोंग कर रहा है, ऐसे कर रहा है, हमें 2 यहां मिल गया है। अब सिक्स पार्ट है 10, अब 10 चेक करते हैं, 10 नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू, क्या होगा नॉट बिलोंग्स टू। तो हमने सिर्फ अभी बिलोंग्स टू और बिलोंग्स पढ़ा, ये स्पेस थे कलेक्शन में जो ऊपर वाले एक यूनिवर्सल सेट से लिंक करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री, अब हमें दोबारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री में लिखा है राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, हमें अब रोस्टर फॉर्म्स बनाने हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है ए इक्वल्स टू ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन 7। तो हम क्वेश्चन राइट कर लेते हैं। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है ए ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 माइनस ब्रैकेट एक्स, जो इस वाले का है मीन्स क्या रहता है पहले ये डिस्कस करते हैं।
जैसे हमने ये राइट कर लिया, तो अभी जो x है जो माइनस थ्री है, तो माइनस थ्री से बड़ी वैल्यू किसके आनी चाहिए, x के आनी चाहिए। बोलने का मतलब है कि जो माइनस थ्री है उसके बाद जो वैल्यूज आएंगे वो सारे के सारे किसके होंगे, जैसे माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स और सेवन। तो ये सारे के सारे वैल्यूज किसके आए, ये सारे के सारे वैल्यू x के आए। जैसे हम माइनस थ्री है लेस देन में है, किसके कंपेयर में, x में, तो माइनस थ्री से जो भी बड़ा होगा वो x में आएगा। अब सेवन बड़ा है तो सेवन से जो भी छोटा होगा वो क्या होगा, x में होगा। तो हमें अब क्या लिखना है, रोस्टर फॉर्म लिखनी है। तो रोस्टर फॉर्म के लिए हमने a लिखा, a क्योंकि a से ही स्टार्ट था, ब्रैकेट्स लगाए, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। ओके, हमारा नेक्स्ट पार्ट इसी का जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो है सेकंड। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन राइट कर लेते हैं, बी एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, नंबर लेस देन, लेस देन सिक्स। तो अब ऐसे नेचुरल नंबर राइट करने हैं जो लेस देन किसके हों, सिक्स के हों। तो सिक्स से सारे के सारे जो भी नंबर प्रीवियस आते हैं, कौन कौन आते हैं नेचुरल, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, तो ये नेचुरल नंबर आ गए जो लेस देन सिक्स थे। इसी के साथ हमारा थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में सी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज अ टू डिजिट, सॉरी नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज एट। तो ऐसे टर्म्स लिखने हैं, डिजिट्स लिखने हैं जिनका सम एट आता है। जैसे हमारे पास आ गया पहले 17, तो 7 प्लस 1 8, 26, 2 प्लस 6 8, 35, 5 प्लस 3 8 होता है, 44, 4 प्लस 4 8, 53, 62, 71 और 80। ये हमारे पास सारे के सारे टर्म्स थे। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे, इसके भी तीन पार्ट्स रह गए, नेक्स्ट टाइम वो नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे।